हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल RC बस AC एंड ट्रैवलर इंटीरियर मॉडिफिकेशन पर। आज फिर आपके साथ में हम उपस्थित हुए हैं एक और 17 सीटर 3700 व्हील बेस ट्रैवलर लेकर। इसमें 3700 व्हील बेस में पहले अभी तक हमारा मैक्सिमम गाड़ियों में बम्पर ग्रिल जाता था, लेकिन ये गाड़ी एक नॉर्मल प्लेन गाड़ी हमने बनाई है। इसमें फ्रंट ग्रिल और बम्पर ओरिजिनल जो कंपनी का आता वही है। आप देख सकते हैं ओरिजिनल ग्रिल है, ओरिजिनल बम्पर है, लेकिन बम्पर पे ग्रिल पर हमने ब्लू कलर का पेंट किया है जो मैचिंग हो रहा है साइड ग्लास से। साइड ग्लास पे ब्लू पेंट है और ऊपर जो लगेज कैरियर अगर आप देखेंगे तो ऊपर लगेज कैरियर के जो डिज़ाइन है वो वहाँ से मैच करते हैं, इधर साइड ग्लास और फिर आगे ग्रिल पर आ जाता है। तो गाड़ी का एक जो लुक है बड़ा अच्छा निकल के आता है इस तरीके से। तो देखने से गाड़ी अगर हम देखें तो ये आप देखिएगा, ये गाड़ी का फुल व्यू फ्रंट से है। और एक बार साइड से आपको दिखा के फिर अंदर देखे देखे चलते हैं। इसमें गाड़ी में अब की बार सीट थोड़ा सा चेंज किया है हमने। सीट का जो मॉडल है वो थोड़ा सा अलग डिज़ाइन है, नॉर्मली हेडरेस्ट वाला आता था, इसमें कस्टमर की डिमांड कुछ अलग टाइप की है तो उस पर हमने सीट थोड़ा सा अब आपको इसमें अलग देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें साइड से तो साइड में वही सेम जैसा पहले रहता था, ज़्यादा कुछ साइड में चेंज करने के लिए नहीं है। गाड़ी फिक्स ग्लास भी नहीं है, स्लाइडिंग विंडो जो ओरिजिनल गाड़ी का होता है। उसके साथ में एक बेनिफिट ये है कि भाई कई बार आप गाड़ी को नॉन AC भी चला सकते हैं और AC भी चला सकते हैं, लेकिन फिक्स ग्लास गाड़ी में एक डिसएडवांटेज ये कह सकते हैं कि वो नॉन AC में नहीं चलेगा, वो हमेशा AC में ही चलेगा। इसके लिए थोड़ा सा कई कस्टमर्स जो होते हैं जो नॉन AC भी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं तो वो फिक्स ग्लास नहीं कराते। ये साइड से पूरा गाड़ी, इस पर कोई बाहर में डिज़ाइन वगैरह भी कस्टमर ने नहीं डिमांड करी। ओरिजिनल गाड़ी की जो ओरिजिनलिटी है उससे छेड़छाड़ इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही फ्रंट बम्पर ग्रिल, ना ही आपका कोई डिज़ाइन स्टिकर साइड में। बैक में तो कुछ होता ही नहीं है, बैक में तो वही लेग गार्ड और स्टील की जो एक सपोर्ट प्लेट पत्ती होती है वही है। और डोर पे फिक्स ग्लास ज़रूर है, ऊपर लगेज कैरियर। तो ये गाड़ी एकदम ओरिजिनल जो शेप होती है उसी पे बेस है, इसमें कोई बम्पर ग्रिल कुछ भी एक्स्ट्रा कस्टमर ने नहीं मांगी। तो ये गाड़ी साइड से एकदम प्लेन ओरिजिनल फोर्स का आप लोगो देख सकते हैं, स्टिकर ट्रैवलर BS6 की जो न्यू गाड़ी आ रही है जिसमें यूरिया ऐड किया है इन्होंने, टेक्नोलॉजी नई डाली है, वो ये ट्रैवलर है। और इसकी आज डिलीवरी है, कस्टमर आए हुए हैं लेने के लिए तो आज ये डिलीवरी है जाने वाली गाड़ी। अब थोड़ा सा अंदर में जो मैंने कहा कि थोड़ा सा आपकी बार सीट चेंज है ओनली इसके अंदर में, वो आपको एक बार और दिखाते हैं सीट्स। बाकी इंटीरियर तो सेम जैसा ऑलरेडी पहले हम कई बार आपको दिखा चुके हैं, सेम ऐसा ही होता है। इसमें हेड ट्रैक भी कस्टमर ने डिमांड नहीं करी, तो विदाउट हेड ट्रैक गाड़ी कैसी लगती है वो भी आज आपको इस वीडियो में दिख जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम गाड़ी हमारी हेड ट्रैक के साथ में जाती है, जो हेड ट्रैक हम बनाते हैं उसके साथ में, लेकिन ये गाड़ी हमारी विदाउट हेड ट्रैक है। तो इसमें आपको विदाउट हेड ट्रैक में गाड़ी की क्या लुक आती है वो भी एक आपको दिखाते हैं। तो गाड़ी के अंदर चलते हैं। ये गाड़ी की एंट्री एंट्रेंस अगर हम देखें तो ये डोर कवर कंडक्टर साइड वाला, और ये हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो पहले आपको डैशबोर्ड दिखाते हैं, ये सीट खोलना, सीट खोलना है। तो ये अपना डैशबोर्ड है, इसमें आप देख सकते हैं ये ग्लव बॉक्स जो इसमें एक डिक्की बनी हुई है उसके कवर ओरिजिनल। कभी कभी ये लॉक इसका ख़राब हो जाता है तो बाहर से नहीं मिलता, तो ये ओरिजिनल ही कवर इस पर हमने डाला हुआ है। पूरा आपका कंट्रोल पैनल, आगे गणपति बापा विराजमान है, आपका स्टीयरिंग फोर्स लोगों के साथ में।
ये एक इसमें हमने फ़ैन वापस वैसा ही ड्राइवर के लिए, और अगर पीछे से फुल व्यू इस काम देखते हैं तो फुल व्यू इस तरीके से, ये डैशबोर्ड पूरा, थोड़ा सा गाड़ी बैक से आपको दिखाते हैं विदाउट हैटर गाड़ी कैसे लगता है। इसमें आप थोड़ा सा ये चेन देख सकते हैं विदाउट हैट्रिक गाड़ी, और सीट जो मैंने आपको बताया था कि सीट अब की बार थोड़ा चेंज है, तो सीट का ये इसमें डिज़ाइन है। थोड़ा सा अगर फुल सीट में आपको दिखा पाऊँ, ये देखिएगा, ये सीट है अब की बार हेडरेस्ट वाली नहीं है, लेकिन गाड़ी की जो सीट है इसमें लुक बहुत अच्छी आ रही है। बट अगर इसमें थोड़ा सा मैं अपना फीडबैक आपको दूँ तो ये गाड़ी में कुशन थोड़ा सा कम है, इस सीट के अंदर में कुशन थोड़ा कम है, क्योंकि इसकी शेप इस तरीके से बनाई गई है। आप इसकी अगर शेप देखें तो ये हल्का इसमें बैंड देके कर्व देके बनाया हुआ है, जैसे कोई भी पर्सन अगर पीछे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए पुश करता, रिक्लाइन करता अपनी सीट को, तो हल्का सा कमर में बैंड आ जाता, हल्का सा कर्व आता है, क्योंकि स्ट्रेट सीट का कमर के साथ में बैक के साथ में आप रिलैक्स महसूस नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको मैं थोड़ा साउंड कम करता हूं पहले ये गाना बचाया, तो इसलिए ये थोड़ा सा जो सीट है वो इस तरीके से बनाया है, इसलिए इसमें कुशनिंग कम दिया है, क्योंकि यहाँ जो कर्व है ये आपकी जो बैक आती है यहाँ पे पूरी चिपक के बैक आती है, रिलैक्स मिलता है, लेकिन थोड़ा सा कुशन इसमें कम इसलिए क्योंकि अगर मोटा कर देंगे तो जो शेप हम सीट की मांग रहे हैं वो शेप नहीं निकल के आएगी। तो अगर देखा जाए गाड़ी की जो लुक है सीट से बहुत ज़बरदस्त निकल के आ रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मैंने कहा कुशन कम है, गद्दा जो होती है फोम वो थोड़ा सा कम बनाया गया है, लेकिन सीट की क्वालिटी जो पहले हम देते हैं आपको वही चीज़ है। ये कंपनी का कस्टमर ने अपना नाम लिखवाया है, उनका लोगो एक प्रिंट है इस पर, इससे गाड़ी में थोड़ा सा एक गेटअप अच्छा आ रहा है, नाम भी है और एक डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त बन के आ गया कि नाम लिखा तो एक डिज़ाइन भी बन गया हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा, कस्टमर का ऐड भी हो रहा साथ में। ये बैक से, और थोड़ा सा मैं फ्रंट में जाके आपको पूरा बैक दिखाता हूँ, तो ये देखिए आप फ्रंट से थोड़ा सा, और मैं पीछे होकर आपको सारा दिखा पा रहा हूँ, ये सीट्स और ये पूरा इंटीरियर विदाउट हैट्रैक, ये गाड़ी विदाउट हैट्रैक है, तो विदाउट हैट्रैक में आपको ये इस तरीके से गाड़ी दिखाई देगी, ये आप देख सकते हैं। पूरा बैक चलते हैं, थोड़ा सा पीछे दिखाते हैं, सोफ़ा इसमें लगा हुआ है, सोफ़ा कम बेड, इससे जो रात को ड्राइवर वगैरह ट्रैवल करते हैं गाड़ी पे, उनको सोने के लिए आराम करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है सोफ़ा कम बेड। तो ये सोफ़ा कम बेड अगर आप देखते हैं, तो ये सोफ़ा कम बेड अभी बेड बनाया हुआ है, ड्राइवर इसमें रात को सो रहे थे, कल थोड़ा सा लेट हो गया था तो गाड़ी अभी डिलीवर हो रही सवेरे मॉर्निंग में, तो रात को ड्राइवर ही सोए थे इस पर, ये उन्होंने बेड बनाया हुआ है, तो बड़े आराम से इसमें दो लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से एकदम रिलैक्स महसूस करते हुए सो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दो और दो 4 फीट का, इसकी जो विड्थ है वो 4 फीट है, और जो लेंथ है, अब हम इसको लेंथ ही बोलेंगे इस तरीके से, लेफ्ट से राइट, तो वो गाड़ी के साइज़ के अकॉर्डिंग। ये बैक डोर पे कर्टन है गोल्डन कलर में। स्पीकर म्यूजिक सिस्टम की बात करते हैं तो JBL के स्पीकर ओवल में पीछे ही, ये दोनों स्पीकर JBL 500 वाट के, ओरिजिनल JBL 500 वाट। ये एक छोटा सा स्टोरेज ग्लव बॉक्स बनाया हुआ है कि ड्राइवर ने अपना कुछ अगर इसमें रखना है, कभी कपड़े वगैरह कुछ, या अपना बेड बिस्तर कुछ भी, तो इसके अंदर आ सकता है। ये एक और फैन ड्राइवर के लिए, अगर आपको इनको सोना है सोफे पर तो ये एक फैन दिया हुआ है। अब फ्रंट से अगर
ये देखिए गाड़ी का, मैं एकदम बैक में हूँ और ये सीटिंग जो है इसका बैक लुक, ये इसमें हमने ये हैंडल है, इस सीट के पीछे बैठने वाले के लिए एक हैंडल है अगर आपने पकड़ना भी है, और ये आपको मैगजीन रखने के लिए कुछ भी न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह एक स्टोरेज, और ये फ्रंट से आप देखें तो ये गाड़ी का लुक है विदाउट हेड रैक। तो आज आपके लिए ये 70 सीटर ट्रेवलर BS4 विदाउट हेड रैक गाड़ी की जो डिज़ाइन है, जो पिक्चर क्वालिटी आप देख सकते हैं इसका कि इंटीरियर की क्या क्वालिटी है। आप लोगों के लिए हमेशा कुछ हम अच्छा ही करते हैं, और इसमें रोलर कटन भी हम लोगों ने दिया हुआ है, ये रोलर कटन लगा लेते हैं। तो ये रोलर कटन हर विंडो पे, ये भी मैंने लगाया, अब इसको मैं खोल देता हूँ, तो रोलर कटन भी हमने इसमें दिया हुआ है। मतलब जो नीड की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सारी इस गाड़ी के अंदर में हैं, बस क्या है फिक्स ग्लास नहीं है, वो एक अलग से लग्जरियस लुक देने के लिए है। बाहर डिज़ाइन वो भी एक अलग चीज़ हो गया, फ्रंट बम्पर ग्रिल वो भी अलग चीज़ हो गया, उन चीज़ों से कभी गाड़ी में कोई काम नहीं रुक रहा, लेकिन कुछ लोग सब कुछ चीज़ें ऐड करा देते हैं, अच्छा है गाड़ी की लुक बनती है, बट इस टाइम पे गाड़ी को आप देख रहे हैं इसमें कोई भी ऐसी कोई कमी नहीं दिख रही है आपको कि भाई आपने फिक्स ग्लास नहीं किया तो ये कमी रह गई, बम्पर नहीं लगाया तो ये कमी रह गई, ऐसा कुछ नहीं। जो ज़रूरत की चीज़ वो सारी इस पैकेज के अंदर आ जाती है। ये टीवी LED टीवी 24 इंच का, तो ये सारा ही मैंने आपको दिखा दिया है। और ये सीट में वुडन हैंडल ये हमेशा देते ही हम हर सीट में, ये वुडन हैंडल हर सीट में मिलेगा आपको, तो इससे थोड़ा सा हत्ता बड़ा स्मूथ होता है, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्वालिटी बनती है, देखने में भी सुंदर लगता है। तो ये LED टीवी सामने 24 इंच का, और AC इसमें हमारा 10 किलोवाट RC 10 kW, इसमें AC वेंट भी हम सब गाड़ी में ये मूवेबल होते हैं, सारे AC वेंट आपके मूव करते हैं, जिस तरफ से आपने लीव जिस तरफ आपने रखी उधर आप टर्न कर सकते हैं। हैंडल सब गाड़ी में वापस वही बटन के, ये इमरजेंसी स्विच आपका गाड़ी के लिए, और फ्रंट से ये है ये आपका, मैंने सारा आपको दिखाया, ये TV 24 इंच का। स्टीरियो की बात करते हैं तो मिंडा कंपनी का 9 इंच में हम ये स्टीरियो देते हैं एंड्रॉयड, ये मिंडा कंपनी का स्टीरियो हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैप, व्हाट्सएप, यूट्यूब, प्ले स्टोर, जो भी एक फ़ोन के अंदर होता है पूरा का पूरा इस स्टीरियो में हम लोग देते हैं, एंड्रॉयड स्टीरियो इनको हम बोलते हैं। तो ये, और ये हमारे साथी राजू भाई, बहुत बहुत स्वागत राजू भाई आपका। तो राजू भाई ये हमारे गाड़ी लेने आए हैं, और अभी बस थोड़ी बहुत देर में ये यहाँ से निकल जाएंगे, गाड़ी कंप्लीट है इनकी। तो राजू भाई कुछ कहना चाहेंगे, कुछ आपको देख के गाड़ी कैसे क्या लगा, किस तरीके से, मतलब अभी आपको लगता है कि भाई काम कुछ ठीक है और कुछ करने जैसा, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ कहें कि हाँ ये चीज़ हम और इसको अच्छा कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ दे दिया वो तो। मतलब कैसा लगता है, सब कुछ ठीक लग रहा है? हाँ सब कुछ ठीक है, कहीं कोई ऐसी कमी आपको नज़र आ रही हो? नहीं ऐसी कोई कमी नज़र नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो लोग हमें देखते हैं, अपनी राय दीजिए, कमेंट कीजिए कहाँ पे हम और सुधार सकते हैं और कहाँ आपको अच्छा और चीज़ हम दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।